आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज लॉकडाउन स्टूडियो जो कि डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा की तरफ से चलाया जा रहा है, उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ आज कुछ अपना संगीत, अपना सितार वादन और सितार वादन के ऊपर क्या क्या हम लोग काम करते हैं। आप सब जानते ही हैं कि मैं भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ था, करीब 37 साल मैंने शिक्षा विभाग में काम किया, करीब 31-32 साल तक मैं विभिन्न महाविद्यालयों में प्राध्यापक के तौर पर रहा, उसके बाद 6-7 साल प्रिंसिपल रहा मैं यहाँ पंचकूला में, कालका में, बरवाला में, और 5 साल की उम्र से मैंने ये सितार सीखना शुरू किया था। और ट्रेडिशनली क्योंकि मेरे घर में ये संगीत का माहौल था, मेरे पिताजी सितार बजाते थे, उन्हीं से मेरी शिक्षा शुरू हुई। उसके बाद लेट श्री जितेंद्र जी, डॉक्टर आर डी वर्मा पर मेरा सपना एक था कि जो दुनिया के सबसे महान कलाकार हैं उस्ताद विलायत खान साहब, कि मैं उनका शिष्यत्व ग्रहण करूं, और ये मेरा सपना भी पूरा हुआ। इस प्रकार मैंने करीब करीब 30 साल उस्ताद विलायत खान साहब से सितार सीखा। सितार एक हमारा बहुत प्राचीन वाद्य है, अगर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को जाना जाता है तो उसमें एक नाम पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान साहब का भी आता है। जिन दिनों को हम लोगों को या आम लोगों को विदेश का रास्ता भी नहीं मालूम था, पंडित रविशंकर जी उधर जो विदेश के कलाकार थे उन लोगों के बीच में काम कर रहे थे। और अब क्योंकि मेरा भी बहुत सालों से आना जाना है बहुत देशों में, तो बड़ी खुशी होती है देख करके कि हमारे भारत का नाम जो है शास्त्रीय संगीत जो इसकी और इसकी जितनी विधाएं हैं उनकी वजहों से बहुत जाना जाता है। तो आज मैं आपके सामने थोड़ा सा सितार का इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है, इसलिए कि मुझे आशा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और संगीत के टीचर्स, मुझे मैसेज भी आए बहुत सारे कि दे आर रियली वेटिंग, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन जी का कि इस डिपार्टमेंट का, कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज आप लोगों के सामने लाइव हो करके कुछ सितार के बारे में और कुछ संगीत के बारे में, कुछ शास्त्रीय संगीत या बॉलीवुड म्यूज़िक या जो सुगम संगीत जो इस सितार पर बजाए, मैं ये थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये सब जो सितार पर बजना शुरू हुआ ये इसलिए बजता है कि उस्ताद विलायत खान साहब ने जो सितार के ऊपर एक नया डायमेंशन दिया, एक नया स्टाइल दिया जिसको गायकी अंग का सितार बोलते हैं, यानी जो हम लोग गा सकते हैं, जो हमारा ह्यूमन वॉइसेस जो हैं जिस तरीके से वो भाव प्रधान होता ही है और जो वो प्रदर्शित कर सकता है गला हमारा, वो हम सितार पे भी करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि गाना से ही हमारी तालीम हुई है और इसी प्रकार इस घराना, जो इसको इमदाद खानी घराना बोलते हैं, इस घराने से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और ये 6-7 पीढ़ियों का इसका लाइनेज है। उस्ताद विलायत खान साहब से पहले भी 5-6 पीढ़ी के बहुत बड़े बड़े उस्ताद, इनायत खान साहब, इमदाद खान साहब, वहीद खान साहब, साहबदाद खान साहब, और आजकल उनके विलायत खान साहब के पुत्र जो हैं शुजात खान, वो बड़े मशहूर कलाकार हैं, और बहुत सारे संगीतकार जो हैं उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं भी एक उन्हीं में एक आता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है ये कि थोड़ा सा आपको आज मैं ये बता पाऊँगा कि सितार के ऊपर गायकी अंग क्या होता है, यानी कि हमारे जो हाथ होते हैं वो गले का रूप ले लेते हैं। दो वी डू नॉट सिंग, नॉर्मली हम लोग गाते नहीं हैं, या गाऊंगा भी तो या गाते भी हैं तो थोड़ा सा जस्ट टू हैव द कनेक्टिविटी एंड जस्ट टू टेल द ऑडियंस कि ये सब देखे जो कुछ हमारा गला कर पा रहा है वो हम सितार पे भी करते हैं। लाइक Hey,
ये डिजी ज्ञान जो एक हमारा डिपार्टमेंट का एक जो उसका विंग है, उसमें 10-12 लोग काम करते हैं। एंड दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट इन आवर डिपार्टमेंट कि वो लोग इस किस्म का एक विंग एस्टेब्लिश किए हैं। आज उसी में से रजत और रचिता का जन्मदिन है, तो मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। और मेरे साथ जो भी ऑडियंस जुड़ी हैं उनकी तरफ से भी रजत और रचिता दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उनके लिए हैप्पी बर्थडे का एक ट्यून से जो धुन है उसको शुरू करता हूँ। ये भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे संगीत का कि एज ए म्यूजिशियन, एज ए सितारिस्ट, हम लोग वी शुड बी ए यूज़फुल एलिमेंट टू द सोसाइटी। घर में कुछ जन्मदिन हो या ऐसे ही समाज में हम बैठे हों जहाँ शास्त्रीय संगीत को शायद उतना लोग ना समझते हों, तो हमारे पास बहुत किस्म का संगीत होना चाहिए जो उनको उनके काम आए या उनको भी थोड़ा लगे कि यस, हम भी इससे कनेक्टिविटी रखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं दो द क्लासिकल म्यूज़िक इज़ मदर ऑफ ऑल काइंड ऑफ म्यूज़िक। हमारे सितार में या किसी भी हिंदुस्तानी संगीत में या पूरे विश्व भर के संगीत में ये 7 ही स्वर होते हैं जिनको सारे गामा पा धा नि सा बोलते हैं। सारे गामा पा धा नि र ब म ग र नि रे सा, ये 7 ऐसे करके स्वर होते हैं और इसमें 5 विकृत स्वर होते हैं। ये 12 स्वरों का ही खेल है। इसी में ना जाने सैकड़ों लाखों शास्त्रीय संगीत की, सुगम संगीत की, लोक संगीत की। मेरा कहने का मतलब कि वट एवर वी सिंग एंड वट एवर वी हैव क्रिएटेड, आज तक जितना भी हुआ और आगे जो कुछ भी होगा, वो किसी ना किसी हमारे शास्त्रीय संगीत के किसी ना किसी मेलोडी, किसी राग से ज़रूर मिलता होगा। एंड वी हमारा बहुत खूबसूरत इसका एक शास्त्र है, भरत का नाट्य शास्त्र, जिन्होंने जो 4th शताब्दी में लिखा गया था, वो हमारा आदि ग्रंथ है। और उससे भी हज़ारों साल पहले देवी देवताओं के ज़माने का ये संगीत है। और एक एक बड़ा कंपोजिट हमारे पास लिटरेचर है इसका, इसका बड़ा एक गौरवमय हिस्ट्री है। और एक सर्टन हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को समझें। सिर्फ ये कह के कि ये शास्त्रीय संगीत आता होगा तो आई कैन गारंटी कि हम पूरी दुनिया का संगीत कर सकते हैं। हमारे लिए कोई वेस्टर्न म्यूज़िक या किसी जैज म्यूजिशियन के साथ या किसी लोक कलाकार के साथ या किसी गज़ल गायक के साथ या किसी फिल्म संगीत वालों के साथ काम करने में बहुत आसानी हो जाती है अगर हमारी जड़ें मजबूत होती हैं, अगर हम क्लासिकल म्यूज़िक को जानते हैं। तो मैं डिफरेंट किस्म का संगीत करता हूं और आज आप लोगों की सेवा में थोड़ा जैसे डिवोशनल म्यूज़िक भी बजाएंगे। जगजीत सिंह जी का हे राम सबने सुना होगा। मैं गवैया नहीं हूँ, सिर्फ एक आध लाइन या कोई एक आध कपलेट गाऊँगा ताकि उसे एक कनेक्टिविटी बनी रहे और बाकी सारा सितार के ऊपर चलता रहेगा। जग में साँचो तेरो नाम तेरा तेरा, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे,
जग के सारे काम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का शान, हे राम हे राम। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि ये कोई हम भजन बजा रहे थे और इसको स्वरों में ट्रांसलेट करें, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और बच्चों के लिए भी बड़ा इजी हो जाता है अगर क्लासरूम में टीचर जो है उसका नोटेशन जो है वो उनको बताएं। हे राम हे राम पा सा रे गा रे सा गा रे सा गा पा गे गे सारे। कम से कम उनको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि ये धुन इस किस्म की है। उसके बाद जो उसकी डेलिकेसीज हैं, उसका मीन कैसे लेना है, उसके बीच में जो बहुत बहुत शुक्रिया मैं देख पा रहा हूँ, निधि जी हैं, सौम्यजीत पाल फ्रॉम कोलकाता हमारे साथ जुड़े हैं, कुसुम वाद्या जी द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कालका, वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी फ्रॉम वाराणसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, और भी जो है जितने दर्शक जिनको मैं देख नहीं पाया पहले उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ एंजॉय, और थोड़ा बहुत आप लोग तो संगीत गा रहे हैं, आपके हिसाब से आज इतना काम नहीं हो रहा, बिकॉज वी हैव ए वेरिएंट ऑडियंस जिसमें बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, बिगनर्स भी हैं, तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा संगीत जो है ये कर रहा हूँ। ये आपके जो लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन स्टूडियो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा की तरफ से ये एक प्रयास है कि आजकल वो बहुत गुणीजनों को, बहुत विद्वानों को बुला करके आप सबसे तारुफ कराते हैं, आप लोगों के सामने उनको रखते हैं। दीपक जी आप भी आए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो मैं कह रहा था कि सितार में सिर्फ स्वर ही काम नहीं करते हैं, स्वरों के साथ उनके जो उनके अन्य अंग रहते हैं जैसे मीड हो गया या गायकी को कैसे बजाना है, इन सब के लिए जो भी टेक्निक्स हैं वो सारी मिल करके एक बहुत सुंदर इसकी रचना होती है जिसमें सितार को मिलाने का भी ढंग रहता है। हम लोग जो सितार बजाते हैं, क्योंकि मैं शुरू में बताया कि मैं उस्ताद विलायत खान साहब का शागिर्द हूँ, तो हम लोग का सितार जो है ये दिस इज़ द सोल इन्वेंशन ऑफ उस्ताद विलायत खान साहब की, जो तारों का क्रम कैसे दिया, तरबों का या सितार की टोन कैसी हो, ये सारा कुछ उस्ताद विलायत खान साहब की देन है। तो क्योंकि ही वॉन्टेड द सितार शुड सिंग, कि उसमें गाने सितार ऐसा लगे कि जैसे आपके हाथों के माध्यम से सितार का गाना हो रहा है। तो राग यमन कल्याण एक बहुत बेसिक और प्रचलित राग है जो कि हमें भी बजाते हुए आज 57-58 साल हो गए हैं। अरुण जोशी जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। तो थोड़ा सा यमन का सब रूप देना दाना दाना धने रे गमा धने हमारे मर धने निरे पमरे गारे निधारे होठों से चूलो तुम मेरा गीत अमर कर दो। अब देखें कभी कभी बच्चों को ये समझाने के लिए अगर उनको शुरू में बहुत भारी भरकम संगीत हम सुनाते हैं या
या क्योंकि शास्त्रीय संगीत के बारे में एक धारणा हो गई है कि ये बहुत मुश्किल है और इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है और ये कुछ लोगों का ही काम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रज्ञा गंभीर भी जुड़ी है हमारे साथ हिसार से, और मैडम रेणुका जी भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगीत एक फील करने का इशू है और आपको ये महसूस होता है। अब मैं किसी भी व्यक्ति को कभी भी संगीत से दूर नहीं पाता हूँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे को फिल्म संगीत अच्छा लगता है, मेरे को हरियाणवी रागनी अच्छी लगती है, या मेरे को फलां किस्म का संगीत अच्छा लगता है तो भाई वो संगीत ही, उसमें भी यही सारे गामा पादा निसा हैं। सिर्फ ये कि आप लोगों को बताया नहीं गया, इसलिए आप लोग इतना डरते हैं क्लासिकल म्यूज़िक से। अगर आपको थोड़ा सा अंदाज हो जाएगा इस चीज़ का तो ये मुझे पूरा है विश्वास है कि आप ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। जैसे मैंने ये लाइन बजाई अभी, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मैं तो मेरे मेरे प्रीत अमर कर दो। अब हम राग में भी ये सब करते हैं, वी आर नो डिफरेंट व्हेन वी प्ले। लाइक अगर इसको मैं स्लो वर्जन कर दूँ, ये शास्त्रीय संगीत का नाम दे दिया। जब उसके ऊपर कोई पोइट्री आ गई और उसको फिल्म में वो सब आ गया तो वो फिल्मी संगीत हो जाता है। सो लेट अस नॉट बी अफ्रेड। और मेरा सुझाव है आप लोगों से कि जो जहाँ कहीं भी शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम हो वो सुनने जाएं और टीचर के साथ जाएं, जो बच्चे देख रहे हैं, या किसी गुणी या किसी पंडित या उस्ताद के साथ जाएं, ताकि आपको उसके दौरान वो समझाते भी रहेंगे। दलजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र कौर जी देख रही हैं, प्रभदीप सिंह भी रोपड़ से कुराली से हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थोड़ा ये गाना कंप्लीट कर लूँ। सो मैंने शुरू में बोला कि पूरा गाना मैं नहीं गाऊँगा, बट आई ट्राई टू प्ले ऑन सितार मोस्ट ऑफ द टाइम। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, अभी जो मैंने जैसे ये हिस्सा बजाया ये फिल्म में नहीं है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नोइंग द क्लासिकल म्यूज़िक, कि आप उस गाने के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह देते हैं जिससे उसमें और चार चांद लग जाते हैं। जग ने छीना मुझसे मुझे जो दिल लगा प्यारा, बन जाओ मेरे मेरे प्रीत अमर कर दो। तो हर गाने का कोई ना कोई राग बेस होता है, और जितने भी हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक में कंपोज़र स्पेशली जो पुराने थे उनका, तो अगर उनसे तो उन गानों से तो राग भी सीखा जा सकता है। जैसे दिस वॉज वेरी ब्यूटीफुल बंदिश जो मैंने आपको सुनाई अभी, या एक और गाना लेते हैं हम, चंदन सवन चंचल सितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। अब ये दिस इज नो लेस देन ए क्लासिकल म्यूजिक।
अगर इसको हम ये ना जाने कि ये चंदन सा बदन था, तो इसको कैसे बजाएंगे? दैट वी यूज, दैट वी प्ले ड्यूरिंग अवर क्लासिकल कॉन्सर्ट. मुझे दोष न देना जग वालों, ओ जाग मैं दीवाना चंदन सबदन चंचल चितवन. बहुत बहुत शुक्रिया. और लोग भी जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मैं सबका नाम विनय जी, विनय गंधर्व शिमला से जुड़े हैं, कानन जी जुड़े हैं साउथ से हमारे साथ, सबका बहुत बहुत स्वागत है. एक और बहुत गाना मेरे को अच्छा याद आ रहा है इस समय. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा. मनमोहन जी ने, प्रवीण चौबे जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यमन दाग ऐसा है कि इसमें सोनम जी जयपुर से आप भी आई हैं, सुजाती जी, जिसी जी 11 से आपने भी ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यमन दाग ऐसा है कि इसमें सैकड़ों हज़ारों बंदिशें फिल्म में बनी हैं, और अगर मैं चाहूँ तो ये ऑन एंड ऑन से ये मतलब ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है. पर कुछ और अच्छे गीत जो किसी दूसरे रागों में, थोड़ा सा इस बहाने 2-3-4 रागों का नॉलेज भी हो जाएगा, और उसमें जो कुछ है वो हम वो गीत भी सुन पाएंगे. डॉक्टर मधु जी आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एक और राग, जैसे एक दो चीज़ें याद आ रही हैं. सनी सा ग म प द ग म प नि स नि प म म ग नि रे ग. तुझे जीवन की डोर से
बांध लिया है तेरे जुल्मों से तम सर आंखों पर। कहने का मतलब कि ये कुछ गाना या कुछ भी सितार पे लिए जो गायकी अंग से ताल्लुक रखता हो, दिस इज़ नॉट द जस्ट हैंड्स, ये एक कलाकार बजता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। नहीं तो पर्दे ये जो ये फ्रेट्स हैं जो दे हैव नो मीनिंग, क्योंकि ये सब इनका रोल ख़त्म हो जाता है जब गायकी आ जाती है, क्योंकि एक पर्दे से आप अगले 3-4-5 सौरों का काम करते हैं। तो अम्बुज जी जुड़े हैं लुधियाना से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुझे जीवन की डोर से और एक बहुत अच्छा गाना जो है, बीती ना बीताए रहना। अब जब इस ढंग के जो संगीतकार जिन्होंने ये गाने बनाए हैं, उन्होंने हलचे की इतना रास्ता हम लोगों को भी दिया है, बिकॉज यू सी जो फिल्म का गाना है, मंजू अरोड़ा जी इज़ वॉचिंग, ठाकुर सेन जी शिमला से आप भी जुड़े हैं, बहुत से ऑडियंस दूर दूर से जुड़ी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोगों के लिए थोड़ा एक बार फिर से बता दूं कि ये लॉकडाउन स्टूडियो जो कि हमारे डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक स्टूडियो है, जिसमें आजकल वो बहुत बहुत विद्वान लोगों को बुलाते हैं, मेरे को भी उन्होंने मौका दिया, पुनः धन्यवाद करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी गज़ल, बहुत सारे राग या बहुत सारे फिल्मी संगीत ऐसा बनाए जिनसे आप पूरा राग सीख सकते हैं, और आप देखें कि वो पूरे एक पूरे गाने का जो जिस्ट होता है वो 2 या 3 मिनट में वो किसी उस गाने में आ जाता है। तो ये बहुत बहुत उन लोगों का मैं शुक्रगुजार और बहुत आभारी हूँ कि, और आज उम्मीद करता हूँ कि आज भी ऐसे संगीतकार आएँ जो कि वो लोग ऐसी बंदिशें बनाएं। अब आप देखें कि कब फिल्म बनी थी महल, अब उसका गाना आज भी हमारे बिल्कुल होंठों पे आता है, और ऐसी तर्जें, सिंपल तर्जें, और कितने अच्छे गाने हैं। आएगा 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 आने वाला। आएगा आने थोड़ा सा गा लेने से एक ये फ़ायदा होता है कि यू नो कि आप क्या कहना चाहते हैं। सीमा गांधी जी हैं, सत्यवती शर्मा जी आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि गाना बजाना या जितनी भी कलाएं हैं,
इन कलाओं का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ये ऐसा बोले कि मैं सितार बजाता हूँ तो मुझे गाना नहीं आना चाहिए, या जो जो लोग गाते हैं उनको कोई वाद्य नहीं आना चाहिए, वो सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा कोर रिलेटेड चीज़ें हैं। अल्टीमेटली गाने को प्रथम स्थान दिया जाता है हमारे संगीत में, क्योंकि उसमें पोइट्री भी है, उसमें स्वर भी है, और वो जल्दी लोगों को कनेक्ट। हाँ, साज के एक अपनी खासियत है कि उसमें जो उसके तार हैं, जो उसके जो हारमनीज हैं, उसकी जो सस्टेन है, वो एक अपना आनंद देती हैं। पर अगर जो भी मैं सोचता हूँ कि जो भी साज जो गाने के करीब रहते हैं, वो बहुत प्रभावशाली ढंग से अपना काम करते हैं। तो मैं पुराना गाना आपको सुनाया, अभी एक और पुराना गाना मेरे को याद आया। हाय रे वो दिन को ना हाय, ये आज की सदी के महान कलाकार जो हैं सितार वादक पंडित रविशंकर जी का संगीत था। इसमें अनुराधा फिल्म उसकी बात कर रहा हूँ, तो एक दो स्टैंजा उसका भी सुनाता हूँ। सगवद नीर बग हल नीर सगव नीर बग रे। कलावती जनसमोहनी, ये देखो कितने ऐसे प्योर राग ले करके उन रागों में ये बंदिशें की। एक और बंदिश इसी के मिलती जुलती, कोई सागर दिल को बहलाता, कोई सागर दिल को बहलाता। तो ये भी एक राग कलावती पे आधारित गाना था। अनीता ओबराय जी मेरी बहुत ही पुरानी शागिर्द जलंधर से, ये भी रिटायर हो चुके हैं, आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तरुण नामदेव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हाँ, एक मेरे मित्र हैं अरुण जोशी जी, जो डिपार्टमेंट में हैं, वो जब मूड में आते हैं तो एक गाना गाते हैं, उनके लिए दो लाइन बजा देता हूँ मैं। पल पल दिल के पल तुम रहते हो, अब चाहे संगीत कहीं का भी हो, वो हमारा ही संगीत है, वो उसमें कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं होता। हमारे ये देश की बहुत खूबसूरती है कि हमारे डिफरेंट प्रांतों में बोलियाँ भी डिफरेंट हैं,
वहाँ के जो लोक संगीत हैं वो भी डिफरेंट हैं, तो सबको सुनना चाहिए। आप बंगाल में चले जाएं तो वहाँ का इतना भव्य संगीत है, आप राजस्थान में चले जाएं तो वहाँ का इतना भव्य संगीत है, आप हिमाचल में चले जाएं तो वहाँ का तो देवभूमि का ऐसा संगीत है कि मतलब क्या ही तारीफ़ करूँ उसकी। मैंने कुछ सीडीज़ भी करी हैं उसके ऊपर, कुछ गाने भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं उनके ऊपर, और बहुत सारे दोस्तों का फरमाइश भी आ रहा है कि कोई एक आध पहाड़ी बेस के ऊपर कोई गाना मैं जरूर बजाऊँ, तो वो बजाता हूँ। उस रंग पहाड़ों का इसी से मिलता जुलता एक बड़ी पुरानी फिल्म थी, ये भी मेरे बचपन में आई थी। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाते, ओ बादल बिजली चंदन पानी ऐसा अपना का लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, हाँ इतना मगर इतना मधुर तेरा मेरा जन्म हमें कई कई बार। ओ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार। तो बहुत ही सुंदर गाना, भी अभी हफ्ता 10 दिन पहले मैंने अपने फेसबुक पे भी वो डाले हैं कुछ गाने मैंने पुराने पुराने। आप लोग अगर चाहें तो मेरा पेज आप विज़िट कर सकते हैं, उस पर भी बहुत सारा इसी किस्म का संगीत मैं आजकल अपलोड कर रहा हूँ, और यूट्यूब पे भी पंडित हरविंदर शर्मा सितार करेंगे तो यू कैन हियर ऑल दिस मेलोडीज जो मैं आजकल बहुत रिकॉर्ड किया है और बहुत बजाया भी है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है,
बहुत से संगीतकार जो आजकल नए हैं वो भी बहुत खूबसूरत म्यूज़िक दे रहे हैं और उनका भी एक दो आजकल के बच्चों के लिए भी आजकल के संगीत का भी कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने की। एक और गाना बाई चांस वो भी पहाड़ी में है, नीला आसमान सो गया, नीला आसमान सो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने खूबसूरत गाने हैं कि मन करता है इसी रंग में ही। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी फरमाइशें भेज रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि सारा आपका फरमाइश पूरा हो सके। श्री लेखराम जी शिमला से लिख रहे हैं, चंबे दिए बंद कलिए, चंबे दिए बंद कलिए,
आप पहचान गए होंगे ये गाना वडाली ब्रदर्स का, तू माने या ना माने दिलदारा असा तेनु रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा असान तेनु रब मनिया। गाइड फिल्म के गाने बहुत अच्छे आए थे, एक से एक फिल्में हैं। अगर याद अभी पीछे पीछे अपना पास्ट में नज़र दौड़ाते हैं तो कितना खूबसूरत खजाना है हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक का, जो कि अमर हो गया है। और पिछले 50 साल 60 साल कभी कोई गाना उठा के आज भी सुने तो वो भी आज भी बिल्कुल ताज़ा रहते। ये कम से कम 60 साल पुरानी फिल्म होगी शायद असली निकली। दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को सुने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। छोटी सी आशा मस्ती भर मन के बोली सी आशा, चांद तारों को चूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा कांचे रे प्रीत मेरे साजी में मेरे को भी याद नहीं है कौन से साल में ये फिल्म आई थी, तो शायद ये इसमें देवानंद थे। इतना खूबसूरत ये भी पहाड़ी संगीत अगेन,
पहाड़ी संगीत का भी बहुत वर्चस्व है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, यानी जैसे खयाम जी हैं तो उन्होंने जो भी गाना बनाया वो पहाड़ी में ही बनाया सारी उम्र। रजिया सुल्ताना के देख लीजिए आप, या और बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं। मैं तेनू समझावा तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार दे। दुखी जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल दिल जान मेरे, मैं तेनू समझा तेरे नेता। अब गाने में इतना सहज रूप वो गला है, उसी चीज़ को सितार पे उस ढंग से बजाना, तो ये सितार की अपनी लिमिटेशंस होते हैं। पर फिर भी अगर अगर आप गाने की तालीम रखते हैं और गाने के स्टाइल को सितार के ऊपर, जो कि उस्ताद विलास खान साहब ने शुरुआत किया और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबे गाने की भांति मैं हमेशा से पूरी उम्र ये एडवोकेसी करता आया हूँ कि हम संगीतकारों का समाज के प्रति बहुत एक बड़ा दायित्व होता है। और खाली ये कहना कि मैं ये दो राग या चंद राग जानता हूँ, वो ठीक है, वो संगीत चीज़ ऐसी है कि पूरी उम्र उम्र ख़त्म हो जाती है या इंसान ख़त्म हो जाते हैं, राग नहीं ख़त्म होते हैं। यानी कोई राग ऐसा भी, आप हैरान होंगे या जितने भी अच्छे संगीत के आज विद्यार्थी हैं या उसमें जो संगीतकार जुड़े हुए हैं, सारी सारी उम्र हो जाती है उसी राग को करते हुए, फिर भी वो हर बार नए फोल्ड आते हैं उसमें। हर जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, रागों को देखने का नज़रिया, उसमें आइडियाज़ का, और दूसरा ये कि जिस भी ज़माने में आप होते हैं और उस ज़माने के जो और कलाकार जो गायन में, वादन में या और साज़ों पर या गायन शैलियों पर या डिफरेंट जो हमारे घराने बहुत खूबसूरती ऐसे ये एक योगदान दिया है, अब उनका ना चाहते हुए भी प्रभाव आपके ऊपर आता है। और वो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ऐसे दौर में, ऐसे ज़माने में पैदा हुए
कि टेक्नोलॉजी हो, नहीं तो किसी कलाकार को सुनने के लिए हज़ारों मील दूर जाना वो पहले तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। दैट्स वाई द म्यूज़िक वॉज कंस्ट्रेंड टू सम स्पेसिफिक एरिया, और वहीं वो घराने बने, और जिसका लाभ हमें हुआ कि आज यूट्यूब के माध्यम से या डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हम किसी को भी घर बैठे हुए पूरी दुनिया के किसी भी संगीतकार को सुन पाते हैं। आप आज मैं आपके सामने डायरेक्टर हायर जनरल एजुकेशन की साइट पे बैठा हूँ और ना जाने कहाँ कहाँ लोग देख रहे हैं। सो दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड वी शुड एक्नॉलेज डेफिनेटली, और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आज आप लोगों ने इतना समय मेरे को दिया और इतना समय आपने सुना। बस एक आध चीज़ और बजा के कुछ एक फोकलोर की चीज़ बजाता हूँ, वो पंजाब का। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटे रंग माया, आवो सामने आवो सामने कोलों दे रुस के न रंग माया। तेरी मां ने तेरी मां ने रिन्या सागवे, तेरी मां ने रिन्या सागवे, असा मंगया ते असा मंगया ते मिलया जवाब वे। लट्ठे दे चादर उत्ते सलेटे रंग माया, आओ सामने। तेरी मां ने रिनिया गंदलां, तेरी मां ने रिनिया गंदलां, असा मंगिया ते पै गईया दंदलां। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटे रंग माया, आओ सामने आओ सामने कोलों दे रुस के कोलों दे रुस के कोलों दे रुस के रंग माया। एक और पंजाब का फोक बजा के आप लोगों से आगे जाऊंगा। समझ गए ना, ये पंजाबी टप्पे जो हैं बहुत मशहूर हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, आज नए भी लिखे जा रहे हैं। हर दौर में हर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये टप्पे लिखे जाते हैं, दो दो लाइन के, वो आपकी नज़र करता हूँ। कोठे ते मया कोठे ते मया मिलना ते मिलन तखस मनु मया। अब बच्चों लायक भी संगीत आपके पास होना चाहिए। मेरा ग्रैंडसन अभी 2 साल का है और उसके लिए संगीत बजाता हूँ। ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे मामा नहीं। बहुत इंजॉय करते हैं वो। दौड़ा 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 बूंद बाके दौड़
लकड़ी के काटे काटे कही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पुनः एक बार बहुत बहुत आभार मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टरेट का, हायर एजुकेशन का, और इसके बहुत ही डायनामिक हमारे डायरेक्टर हैं अजीत बालाजी जोशी, उनका ख़ास तौर पर धन्यवाद कि उन्होंने मुझे याद किया और मैं आप लोगों के साथ एक घंटा बिता पाया। आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ रहें और ये जो इसी प्रकार संगीत एंजॉय करते रहें, और भी जो आपकी कलाएं हैं या जो भी आप में गुण हैं उनका विस्तार कीजिए। नमस्कार, फिर आगे देंगे तो आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।